हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम एक्टिविटी मेथड से वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड को फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फार्मूला को यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, क्योंकि हमारा जो क्यूब होता है उसका जो बेस है इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर होता है। एंड एरिया ऑफ बेस मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। एंड हाइट जो है वो सेम एज द साइड ऑफ द क्यूब के इक्वल है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। हैं, अब इसके बेस पर हम यहाँ पर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जिससे हमें वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला निकलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्यूब के अंदर हमारे 3 पिरामिड्स कंटेन हो रहे हैं और तीनों ही जो पिरामिड्स हमारे आ रहे हैं उनका जो बेस है वो सेम एज द क्यूब के बेस के इक्वल हो रहा है। हेंस साथ ही साथ यहाँ पे हम अगर देखें कि इनकी जो हाइट है इज द सेम एज द साइड ऑफ द क्यूब के इक्वल है। हाइट ऑफ द पिरामिड इज इक्वल टू हाइट ऑफ द क्यूब मीन्स साइड ऑफ द क्यूब। और एक क्यूब के अंदर क्योंकि 3 पिरामिड्स कंटेन हो रहे हैं तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। हैंस यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड करते हुए लिखें कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि एक क्यूब के अंदर 3 पिरामिड है, हैंस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर हम इस फार्मूला का यूज़ करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो हमारा फार्मूला निकल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। हैंस द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विल बी इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस, जो भी हमारा बेस होगा पिरामिड का, और मल्टीप्लाइड यदि हम हाइट कर दें तो हमें वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम फंक्शन मशीन बनाना सीखते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखें कि ये वर्क कैसे करता है। यदि हम देखें तो ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी फंक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे और जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज अवर इनपुट एंड दिस इज अवर आउटपुट। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन वॉल्यूम ऑफ कोन को फाइंड आउट करेंगे।